अमरवाड़ा विधानसभा के हरई में सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां बिल्डिंग का निरीक्षण व अस्पताल बिल्डिंग में चल रहे विकास कार्य व व्यवस्थाओं का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जायजा लिया। देखिए खबर। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरई में चल रहे सरकारी अस्पताल का बीजेपी प्रभारी ने निरीक्षण किया और पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा है कि सरकार की मंशा है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। इसके लिए सरकार बेहतर से बेहतर प्रयास करती है और हम भी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और मध्य प्रदेश के जननायक हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस आदिवासी अंचल में हर्रई में 5 करोड़ की लागत से नई बिल्डिंग जो यहाँ उन्होंने दी है बनने जा रही है, उसका निरीक्षण करने हम लोग आए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ हमारे वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित थे और निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, कहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, ओपीडी कहाँ रहेंगे, कहाँ मरीजों को कैसे लिया जाए, तो उसको देखने के लिए हम आए थे। और निश्चित रूप से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है कि सरकार अगर आदिवासी अंचल में कोई बिल्डिंग स्वीकृत करा रही है तो उसका निर्माण क्वालिटी वाला हो, उसका काम गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए आए हैं। और निरीक्षण में हमने पाया कि ये बात आपने ये विषय मेरे को रखी है, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी उसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी 9 साल में क्या कर रहे हैं ये आपसे और जनता किसी से नहीं छुपा। अगर वो काम कर रहे होते तो ये नौबत नहीं आती कि उनके गृह क्षेत्र में किसी मरीज की मृत्यु हो जाती सिर्फ चिकित्सा के अभाव में। बड़ी शर्म की बात, अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आज जहाँ भी जाते हैं गांव में, वहाँ सिर्फ समस्याओं का अंबार है। और जैसा कि चाणक ने कहा है कि जिस भी राज्य का राजा कमजोर होता है तो उसका नुकसान उस राज्य की प्रजा को होता है, जनता को होता है। आपको बताते हैं कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार भी लगातार कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अमरवाड़ा।